हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं बिपिन यादव। आज हम आपको बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला सवाल पर, यानी इंस्टॉलमेंट वाला सवाल पर। दोस्तों, किस्त वाला सवाल बहुत परेशान करता है स्टूडेंट को। इसे सोल्व करना बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और आज के इस वीडियो में आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर क्लास नहीं देखें तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखिए, भागिएगा नहीं, छोटा सा ही वीडियो होगा लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यानी कि आज के बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला सवाल से आप परेशान थे, नहीं रहिएगा, मेरा चैलेंज है। तो अपनी ज़िंदगी का ये 20 से 25 मिनट यहाँ भी एक बार बर्बाद करके आप देखिए क्या हासिल होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर और बात करते हैं क्वेश्चन का। दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ मेरे हाथ में एक बुक देख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस सेट है। ये मैं अपने कोचिंग में अपने स्टूडेंट को देता था। मैं 2018 तक मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया हूँ, 2011 से 2018 तक। उसके बाद मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया है और अभी जो चल रहा है सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा बुक है और इसे आप मंगवाना चाहते हैं तो मैं और कोई वीडियो में चर्चा कर दूंगा इसके लिए। तो चलिए, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन होगा हमारा आज किस्त वाला सवाल। तो किस्त वाला सवाल में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मेरे बुक का यहाँ साइड में, हाँ ज़रूरी नहीं कि यहीं से, किस्त वाला सवाल दुनिया के किसी भी किताब से आप बना लेना। आज के बाद क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैं दो तरीका बताऊँगा। एक तो मैं आपको सिखाऊँगा नॉलेज के लिए, और दूसरा जो डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में बिना पेन पेपर के बनाओगे आज के आज किस्त वाला सवाल। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 3810 रुपया का ऋण 16.23% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। किस्त वाला सवाल या तो आपसे 2 साल का पूछेगा या 3 साल का पूछेगा। यह पहला सवाल हमारा 3 साल वाला है। दोस्तों, 3810 रुपया के ऋण अगर आप लेते हैं और 16.23% वार्षिक दर पर 3 किस्त में चुकाते हैं तो वो तीनों किस्त मिलाकर इस 3810 से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने एक बार में पैसा नहीं दिया, उसको किस्त में दे रहे हैं, तो किस्त में दे रहे हैं तो आपको ब्याज भी तो लग रहा है। यानी हम तीनों किस्त अगर इकट्ठा करेंगे तो ये 3810 से ज़्यादा हो जाएगा वो तीनों मिलकर। तो सवाल ये कहता है यदि इस ऋण को 3 किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। पहले हम आपको एक क्वेश्चन में केवल प्रोसेस समझा देते हैं कि ये इसका रूल क्या है बनाने का, केवल एक क्वेश्चन में, उसके बाद कहीं पेन पेपर नहीं लगाना है, पक्का एक क्वेश्चन सीख लीजिए ये नॉलेज के लिए, उसके बाद देखिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन में हम पहले आपको नॉलेज की बात बता देते हैं। दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जब किस्त वाला सवाल आ जाए ना तो इसका फार्मूला है कि जो लिया गया धन है यानी वो मूलधन, उसको लिख देना है। यहाँ प्रत्येक किस्त का मान लिखना है, प्रत्येक किस्त का मान लिखना है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है से सुन लीजिए। आपको दर दिया जाएगा, दर दर कितना है 16.23%। सुनिएगा, 16 × 43 = 250, 50/3% का मतलब होता है बट्टा में 100। अरे 50 × 100 1/6, ठीक है। ब्याज हमेशा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। इसको जोड़िए, 6 में 1 जोड़िए 7/6। और आपको क्या करना है सुन लीजिए, इस 6/7 को उलट के यहाँ लिखना है, पावर 1 देना है। इसका पावर कितना 1, पहला किस्त के लिए। 6/7 फिर लिखना है, पावर 2 देना है। और 3 किस्त में चुकाना है तो 3 तक ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाइए, ऐसे ही 6/7 का पावर 3। 4 साल में चुकाना होता तो 4 तक जाते, और कुछ नहीं, बस यही काम। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको जो लिया गया था वो धन कितना था, 3810 रुपया मूलधन, और किस्त की वैल्यू हम एक से मान लेते हैं। अच्छा, 6/7 1 गो, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो, तो क्यों ना हम 6/7 को कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब इसमें कुछ ना तो 1, इसमें 2 गो था तो 1 गो निकल गया, 1 गो 6/7 बच गया,
इसमें तीन गो था, एगो निकल के आ गया है, दूगो छः दूगो सात, यानी 36/49, 6 के स्क्वायर / 7 के स्क्वायर बच गया। चलिए दोस्तों अब आइए, ये 3810, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, जिंदगी भर पछताइएगा, कह देते हैं, सुन लीजिए, सीख लीजिए आज, एक्स गुने ये 6/7, केवल एगो आपके न सीखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन आप एगो नहीं सीखिएगा तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सुनिए, यहाँ पर 1/7 49 का एलसीएम 49 हो जाएगा, 1 से 49 को 49 बार में काटोगे, 7 × 49 तो 6 × 7 = 42 प्लस 49 × 49 तो 36 × 36। अब आ जाओ, ये 3810 बराबर एक्स गुना ये 6/7, इस सब को जोड़ दीजिए, 6 × 2 = 8 = 9 = 17, 17 के साथ हासिल 1 × 3 = 7 = 4 = 11 हासिल वाला 1 = 12 127/49। ठीक है दोस्तों, नीचे वाला मैं मिटा दूं, ये आप समझ गए थे कहाँ से लाए थे। अब देखिए, 127 * 381 यानी 30 बार में, 6 से 5 बार में, यानी अब 49 × 7 और 5 गुना होगा, 5 × 7 × 49 हो जाएगा, अब बराबर इधर x बच जाएगा, यानी हम अगर इसी को गुना कर लेते हैं पहले, 9 × 7 = 63 हासिल 6, 7 × 4 = 28 और 6 = 34। ठीक है ना दोस्तों, 9 × 7 = 63 हासिल 6 और 7 × 4 = 28 और 6 = 34, इसमें 5 से गुना करना है, बराबर 100 हो जाएगा। तो ये देखिए, 5 × 3 = 15 हासिल 1, 4 × 5 = 20 और 1 × 21 = 1 हासिल 2, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, यानी 1715 रुपया हो जाएगा दोस्तों एक किस्त का मान। हमें तीन किस्त में चुकाना है, हालांकि आपसे पूछा है एक ही किस्त का मान, तीन किस्त में चुकाना है, तो सोचिए 1700 × 3 = 51, 17 × 51 15 × 3 = 45, यानी 5145 रुपया टोटल चुकाना होगा अगर 3810 रुपया कर्जा लिया और किस्त में लौटा रहा है तो। प्रत्येक किस्त में 1751, सब किस्त मिलाकर 1715, सब किस्त मिलाकर 5145 हो जाएगा। दोस्तों ये मुझे केवल नॉलेज के लिए सीखना था, अब हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे जानते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एडिटिंग के बाद क्वेश्चन लगाया जाता है, मुझे ऑप्शन यहाँ लिखने दीजिए, 100, ऑप्शन बी है कितना 380, ऑप्शन सी कितना है 384 और ऑप्शन डी में है नन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, देखना है प्रत्येक किस्त का मान पूछा, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, रेट आपका कितना है 16.2/3%, तो 16 × 48 और 2 50/3 प्रतिशत, मतलब बट्टा में 100, 50 × 100 1/6, इसको जोड़ दो, ब्याज हमेशा बढ़ता है 7/6, यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़िए, नीचे वाला छोड़िए, 6 में 1 जोड़े 7 हो गया ना, इस 7 से देखिए कि कौन ऑप्शन कट जाएगा, वह आंसर होगा, नहीं कटेगा वो नहीं होगा, अगर कोई दूगो ऑप्शन कट जा रहा है तो 7 के स्क्वायर से भाग दीजिए, बस हो गया। देखिए 7 से, और ये तो ऐसे भी हट जाएगा क्योंकि 3810 रुपया और तीन किस्त में ही चुकाना है, तो 3810 से ज़्यादा, इसको तीन बार किसी को लीजिएगा, 3 × 3 = 900 यानी 400 भी होगा आसपास, तो 4 × 3 = 1200 से कम में पूरेगा, 3810 कर्जा लिए हुए, नन होगा ऐसे आंसर। लेकिन चलिए समझते हैं करना कैसे है, 6 में 1 जोड़े 7, 7 किसको काटेगा, इसको काटेगा, नहीं होगा, 7 इसको काटेगा, 7 × 5 = 35 शेष 3, 3 × 0 = 30 नहीं कटेगा भाई, 7 × 5 = 35 शेष 3, 3 × 4 = 34 नहीं कटता है 7 से, आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए अब आपको हम बताते हैं कि कितना जल्दी अगला सवाल सब बनेगा, सवाल है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिएगा दोस्तों, कहता है 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। सुन लीजिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 2540, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 3430, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 3260, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 3380। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आपको उसी को काट के देख लेना है।
रेट दिया है फिर वही 16.2/3%, यानी ये 1/6 आ जाता है, इसमें जोड़ते हैं तो 7/6, यानी इस 7 से देखिए ऊपर वाला से कौन कट रहा है, 7 से कौन कटेगा दोस्तों, देखिए 7 या 21 4 4/4 44 नहीं कटता है, ये गलत, ये कटेगा, देखिए 7 या 7 4 28 6 6/3 63 7 9 63 कट गया, यही हो गया आंसर, आगे कोई नहीं कटेगा, देखिए आगे 7 4 28 शेष कितना बचा 6 7 4 28 4 4/6 46 नहीं कटता है, चलिए 7 4 28 5 5/8 58 नहीं कटता है, बस हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना कितना आसान है। अगला सवाल आपको पूछा भी गया है एग्जाम में, देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कहता है कि 3 बरस बाद दे 1192 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। अच्छा, कभी पीछे मूलधन भी पूछा जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, उसके लिए भी हम बताएंगे, सुनिए अभी देखिए सबका एक ही रूल लगाएंगे, 12% ऑप्शन पहले लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है 325, ऑप्शन बी है 285, ऑप्शन सी है 315, ऑप्शन डी है दोस्तों कितना 364। अच्छा 12% है, आप लोग बना सकते हैं 12% का मान 3/25 होता है, कैसे 12% मतलब बट्टा में 100, 4 से कटा 3 बार में 4 से कटा 25 बार, अब इसको जोड़ते हैं 28 25 में 3 जोड़े 28/25 दोस्तों 28 से कटने वाला कौन ऑप्शन, तो 28 से यानी 8 के पहाड़ा में क्या 5 आ सकता है नहीं, तो यही होगा, बात खत्म है, 28 से काटिए तो 28 से ही कटेगा, अगर 28 से इसको काटेंगे तो काट जाएगा, देखिए कितना बार में 13 बार में ही कट जाएगा, देखिए 364 है ना, अब बट्टा 28, 4 से काटे 7 बार में 4 से 4 9 36 4 1 4 7 से काटा 13 7 91 कट गया ना, बस यही तो होगा, क्योंकि 28 के पहाड़ा पढ़ेंगे 8 है लास्ट में, कोई भी संख्या के लास्ट में 8 हो तो कभी भी 5 उसके पहाड़ा में उसके टेबल में नहीं होगा, हाँ 4 हो सकता है और एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही आंसर होता हमारा। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताना जरा कैसा लग रहा है आप लोग को, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, हरे राम जो है 6800 रुपये उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्त में भुगतान किया जाना है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, बस वही काम करना है, एक सवाल आप लोग बनाइए जरा, इस सवाल को आप बनाइए, ऑप्शन ए में है 8100, ऑप्शन बी में 4150, आप लोग पहले बनाइए वीडियो को रोक के 4050, ऑप्शन डी देखिए 4000, 12.5% है दोस्तों, 12.5% का मान 1/8 होता है, इसमें जोड़ेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा, तो ऊपर वाला से ही भाग देंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें भी कहा है 2 समान वार्षिक किस्त में 9 से कौन कट सकता है, 9 से कटने के लिए जानते हैं अंकों का योग 9 होना चाहिए, ये नहीं होगा सबको जोड़ेंगे 9 नहीं होगा, 9 के पहाड़ा में भी होता तो हो जाता, ये 5 4 9 ये हो सकता है, 5 1 6 4 10 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये दोनों हो सकता है। अब दोस्तों हमें ये सोचना है, एक बात तो ऐसे ही पता चल गया कि 6800 रुपया कर्जे लिए हैं, तो क्या 8100 का 2 किस्त बनेगा, नहीं बनेगा, मूलधनों से बढ़कर किस्त हो जाएगा, यानी गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, 9 से ही भी कटा लेकिन यही सही होगा, कर्जा लेंगे 6800 और किस्त बनेगा कहीं 8100 का, दिमाग खराब है, ऐसे नहीं होता है, बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, अब अगर आपको पता नहीं तो सुनिए, एक बात सीधी सी बात है कि 9 से ही भी कट रहा है, ये भी कट रहा है नहीं होगा, हो भी नहीं करेगा, गलत बात है, 8100 नहीं होगा, छोड़ दिए, अब कोई बात नहीं है, अगला सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के बताइए ना, क्वेश्चन है सुनिए 5 नंबर, कहता है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये के उधार लिए,
उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल में 2 बराबर किस्त में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। दोस्तों सीधी सी बात, कुछ ना करना, मूलधन देखने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमको ऑप्शन लिखने दीजिए, मेरे सामने ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए में है 1352, ऑप्शन बी में है 1377, ऑप्शन सी में है 1275 और ऑप्शन डी में है 1283। दोस्तों रेट कितना दिया गया है, 4%, 4% का मतलब 1/25 है ना। देखिए देखिए, 4% मतलब बट्टा में 100, 4 से 100 को काटे 25 बार में, 1/25 इसको जोड़ दिए तो कितना हुआ, 26/25। केवल ऊपर वाला से काम, 26 से देखो कौन कटता है। दोस्तों 26 के पहाड़ा यानी लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो 3 आना ही नहीं है। 6 के पहाड़ा में सोचिए था कहीं 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 लास्ट में है तो लास्ट में 5 आए भी नहीं करेगा, इसमें कोई भी संख्या से गुना करिए 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं आएगा। 6 के पहाड़ा में कहीं 7 आता है, नहीं ना आता है लास्ट में, बस हो गया 1352 ही होगा, यही कटेगा और कोई कटवे नहीं करेगा, कटेगा तो यही कटेगा। काट के देख लीजिए 13 से, देखिए ये भी कटेगा, 13 चौका 52, 13 2 26 फिर कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। ऑप्शन पकड़ा गया, ऑप्शन ए। आइए अब इससे फास्ट क्या करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं, अपोजिट। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन कहता है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये वार्षिक की 2 किस्त में चुकता किया गया। लीजिए प्रत्येक किस्त का मान आपको दिया जा रहा है, तो कितना धन उधार लिया गया था। अच्छा 968 एक किस्त में, तो 2 किस्त में तो 968 का दुगना जितना आएगा, उससे कम में ना उधार लिया होगा, यानी 968 मिलाकर जितना आएगा दोस्तों, दोनों मिलाकर उससे कम ही कर्ज लिया होगा नहीं। तो सवाल वही पूछता है कि इस बार धन कितना लिया था। उस टाइम से पूछा जा रहा था कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए, अब पूछा जा रहा है कि कितना कर्ज लिया था। कुछ नहीं करना है, सुन लीजिए ना, ये सामने आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन यहां पर है, उस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था। अब देखिए सवाल में रेट कितना दिया है, उसी का काम करना है। 10%, 10% का मान 1/10, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, 11/10 हम इससे भाग दे रहे थे ना दोस्तों। लेकिन अगर आपको मूलधन पता करना हो ना, पीछे का एकदम मूलधन, किस्त पता करना होता तो 11 से भाग देते, लेकिन मूलधन पता करना है तो इसको एक बार और जोड़िए, और जोड़िए दोस्तों। 10 में 11 जोड़िएगा कितना हो गया, 21, ठीक है, 10। अब इससे भाग दीजिएगा 21 से, अगर अगर आपका 3 साल रहता तो एक बार और जोड़ देते, 21 में 10 31 से भाग देते 3 साल के लिए, 2 साल के लिए कुछ नहीं, 1/10 तो आता ही इतना का मान, एक बार जोड़े तो 11/10। ये सब किस्त निकालने के लिए 11 से भाग देते थे, और अगर अब पीछे वाला मूलधन पता करना है तो एक बार और जोड़ दिए, यानी 2 बार जोड़े हैं, एक बार यहाँ जोड़े तो इतना, फिर एक बार जोड़े तो इतना, 2 साल के लिए 2 बार और 3 साल के लिए 3 बार, एक बार और बढ़ा देते, ये 2 साल का है। अब 21 से कौन कटेगा, 21 से कटेगा नहीं, 21/8 कट जाएगा, देखिए 8, 8 × 16, ऑप्शन बी कट जाएगा, नहीं कटेगा। 21/8 80 बार में काटते तो इतना आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी खत्म, ए खत्म, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक आप लोग के लिए, आगे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धन उधार लेकर 441 रुपये के 2 वार्षिक किस्त में चुकता किया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया, तो कितना धन उधार लिया गया। फिर वही ना, पीछे मूलधन पूछा गया, कुछ ना करना है, रेट क्या दिया हुआ है, 5%, 5% का मान 1/20 होता है, एक बार जोड़ेंगे तो 21/20, इतना काम तो हम लोग किस्त निकालने के लिए करते थे, मूलधन निकालना है तो एक बार और जोड़ो, 20 में कई जोड़ोगे, 41/20, यानी 41 से भाग लगावेंगे, आ 3 साल रहता तो इसमें जोड़ देते 20 और 61 से भाग लगाते, ठीक है, यहाँ 2 साल है तो बस
एक बार यहाँ जुड़े थे इतना, एक बार और इतना, दो साल के लिए दो ये बार। 41 से कौन कटेगा देखने से ही पता चलता है, ऑप्शन सी कटेगा। खत्म, खत्म है कहानी, ऐसे ही होगा। दोस्तों ज़रा बताना कैसा लगा आप लोग को ये क्लास, और सच में आपके दिल को छू गया होगा आज का क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया आपको चक्रवृद्धि व्यास। और दोस्तों आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट ही मेरे अंदर इतना उत्साह बढ़ाता है कि मैं इतनी अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार है, लाइक तो ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे, एकदम रूटीन बना लीजिए डेली देखने के लिए। और गणित काहे ना सीखिएगा भाई, सीखिएगा ना कैसे, पक्का सिखा के रहेंगे आप। केवल वीडियो देखते तो रहिए कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू रहिए, पार्ट बाय पार्ट देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हो, आप बॉट एंड स्टीम सर्च कर रहे हो, ट्रिगो सर्च कर रहे हो, वो भी मैंने पढ़ा रखे लेकिन आपको नहीं पता, आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ मस्ती आ जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करना है, आपको लिखना है बॉट एंड स्टीम मैथ मस्ती आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस मैथ मस्ती आ जाएगा, बस यही करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।